सुंदर है परिवेश। ये क्या घास का ऐसा रंग, पेड़ों का क्या ढंग। भैया को लिखूंगी चिट्ठी, बातों ही बातों से विद्या फलती। उनको ही भेजूंगी चिट्ठी, भैया को लिखूंगी चिट्ठी। चिट्ठी मैं लिखती हूँ, कागज है सादा, ना हुआ ठीक ना मेरा ये लिखना। चिट्ठी मैं लिखती हूँ, कागज है सादा, ना हुआ ठीक ना मेरा ये लिखना। ला 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 ला। कलम नाचे चले भाषा के छंदों से, ना हुआ ठीक ना मेरा ये लिखना। बड़ी कठिन चिट्ठी पत्री, मैं तो गई ऊब। इससे अच्छी चित्रकारी भली लगे खूब। ठहरो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये कौन बोल रहा है? मैं वृक्ष हूँ। अरे वृक्ष करे बात, मुझे सुन के आती लाज। जाओ जाओ, दूर हटो, आंख रही तंग ना करो। नहीं, चित्र बनाना बंद करो। क्यों क्यों, किस लिए रोक रहे हो तुम मुझे? एक चित्र बनाने और एक चिट्ठी लिखने में तुमने इतना सारा कागज नष्ट कर डाला। ये बात है क्या? मेरा कागज मैंने फेंका, किसी का क्या जाता? तुम्हें नहीं मालूम कि कागज कितनी मूल्यवान वस्तु है? हम वृक्षों से ही तुम लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कागज मिलता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जितना चाहो उतना कागज नष्ट करती रहोगी। तुमने नहीं लिखा पड़ा, माथे में है गोबर भरा। क्या कहा? मेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है? परेशान करो मत, जाओ चित्र अधूरा कर लो पूरा, टांग मत आओ। जरा इधर तो आना वृक्ष भाइयों। ये देखो, इस नादान बालिका ने एक चिट्ठी लिखने और एक चित्र बनाने में इतना सारा कागज नष्ट कर डाला। ऐसी बात है क्या, इतना सारा कागज नष्ट कर डाला? हाँ, कागज नष्ट करने के लिए इसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ। गालिया, रो क्यों रही हो? मत रो रानी बिटिया, मेरी बात तो सुनो। तुम कागज क्यों नष्ट कर रही थी? वृक्षों से कागज बनता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? कागज की बर्बादी देखकर हमें बड़ा कष्ट होता है। बात तुम्हारी क्या सच्ची, विश्वास नहीं होता एक रत्ती। हाँ बात है बिल्कुल सच्ची। तो फिर सुनो, ये एक लंबी कहानी है। आज से 5000 साल पहले मनुष्य किस पे लिखता था जानती हो? मिट्टी पर, पत्थर पर, लकड़ी पर, पशु पक्षी के चमड़े पर और दूसरी बहुत सारी चीजों पर। तब कागज नहीं होता था। और इसके बाद मिश्र देश में पेपिरस वृक्ष के पत्तों पर लिखने की शुरुआत हुई। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके बाद भोज पत्र, कुंभी पत्र और ताल पत्र पर लिखा जाने लगा। और अचानक एक मजेदार घटना घटी। चीन देश के निवासियों ने बांस के पेड़ों से तैयार किए गए कागज का आविष्कार किया। बस शुरू हो गया लिखना और पढ़ना। गालिया, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? हाँ। अच्छा बोलो, अगर कागज न रहे तो लिखाई पढ़ाई कैसे करोगी? पढ़ने लिखने के लिए पुस्तक चाहिए, पुस्तिकाएं चाहिए, है ना? ठीक कहते हो। अच्छा जरा ये बताओ, क्या तुम लोग मेरी सब पुस्तिकाओं में हो, सब पुस्तकों में हो? हाँ, हम लोग तुम्हारी सभी पुस्तिकाओं, सभी पुस्तकों में हैं। मेरी नर्सरी गीतों की रंगीन चित्रों वाली पुस्तकों में भी हो? हाँ, हाँ, हम उसमें भी हैं। फूल फूल फूल
नाची नाची ली, खूब मजा पा रही, ठुमक 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 नए देश जा रही। नाची 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 ली, खूब मजा पा रही, ठुमक ठुमक ठुमक